राम मंदिर आंदोलन को करीब ढाई दशक बीत रहे हैं। अयोध्या के जो मूलतः वासी हैं वह राम मंदिर या फिर राम मंदिर आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं? हम इस समय रामलला जन्मभूमि के ठीक बाहर रामकोट वार्ड पर खड़े हुए हैं और यहाँ के जो मूलतः निवासी हैं उनसे बात करेंगे कि वह क्या कहते हैं। आपका नाम और क्या राय है आपकी? मेरा नाम अरुण सिंह है और मेरी राय यही है कि राम मंदिर बन जाना चाहिए और राम मंदिर राजनीतिक मुद्दा ना बने। और अब 2500 साल बिताने के बाद अब बहुत देर हो गई है और यहाँ की जनता बहुत प्रताड़ना जेल से भी बदतर जीवन व्यतीत कर रही है। आपको यहाँ आने जाने में किस प्रकार की सुविधाओं का सामना करना पड़ता है? अब आप जान लीजिए, जेल विजिट आप तो किए ही होंगे और सारी दुनिया जानती है कि जेल में क्या व्यवस्था रहती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा यहाँ आप खुद देख रहे हैं कि लोगों की साइकिल तक नहीं आ पा रही है। अभी कोई यहाँ बीमार हो जाए कि कोई अगर मरने की सैया पे हो तो उसको हम ले नहीं जा सकते हैं यहाँ से, ऐसी दुर्व्यवस्था है प्रशासन की। मतलब आई कार्ड दिखाने के बाद भी बैक कर दिया जाता है, पैदल तक नहीं आने दिया जाता है। माता जी, आपका क्या नाम है और आप क्या कहना चाहेंगी? हमारा नाम मधुलता सिंह नाम है। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी सारी सुरक्षाएं खत्म हो चुकी हैं यहाँ से। कोई बीमार पड़ जाए या कोई चार पहिया गाड़ी आने वाला है तो कोतवाली से लेकर के यहाँ तक हम लेखा पढ़ी कराओ तो आवे कोई, तो इसलिए मैं बड़ी समस्या। हम चाहते हैं कि मंदिर बन जाए, सारी झंझट खत्म हो जाए, ये राजनीतिक मुद्दा न उठाया जाए। तो ये अयोध्या वासी हैं जो करीब ढाई दशक से राम मंदिर आंदोलन से लेकर अब तक की अपनी पीड़ा बयां कर रहे हैं कि जेल तो ठीक है लेकिन ये रामकोट जो वार्ड है राम मंदिर को लेकर तमाम तरह की असुविधाओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। धीरज त्रिपाठी, ईटीवी अयोध्या।